वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मुख्तार अंसारी, ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा। ये वही नाम है जिसे सुनकर किसी वक्त यूपी के कई इलाकों में सन्नाटा पसर जाया करता था, जिसके आगे सूबे की पुलिस भी गूंगी बहरी बन जाया करती थी, जिसके नाम पर उसके गुंडे बदमाश यूपी की सड़कों पर सरेआम अपराध का नंगा नाच किया करते थे। लेकिन ये बात बीते जमाने की है। आज यही मुख्तार जो कानून को अपनी जेब में रखकर चला करता था, आज यही मुख्तार यूपी पुलिस की जेल में पड़ा है और अपने आखिरी दिन गिन रहा है। और वहीं भार योगी सरकार उसके अवैध निर्माणों और साथ ही काली कमाई से खड़ी की हुई संपत्ति पर अपना बुलडोजर चलाकर उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर रही है। सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि उसके परिजन भी सरेआम गुंडागर्दी किया करते थे। लेकिन आज जब इस सूबे में योगी सरकार आई है, तब से इन बदमाशों की बोलती बंद है। जिनकी कभी तूती बोला करती थी, आज इन सब की यूपी पुलिस ने पुंगी बजा रखी है। इस बीच ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक बार फिर मुख्तार पर योगी का चाबुक जमकर गरजा है। बता दें कि जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर मंगलवार को मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी कीमत करीबन करोड़ों में थी, उसे कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुर्क की गई संपत्ति को करीबन 1150 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जा रहा था और इसकी कीमत करीबन 2,84,00,000 रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद से पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। बता दें कि प्रशासन के एंटी माफिया अभियान के तहत जिले में मुख्तार अंसारी, उसके रिश्तेदारों व करीबियों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। नगर के मुख्य बाजार लाल दरवाजा के पास मुख्तार की बीवी का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसमें सदर SDM अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी MP सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक्ट के अंतर्गत आफशाह के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। PWD की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 2,84,00,000 रुपए बताई जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि शहर कोतवाली दीपेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार सहित एक प्लाटून PSE वहां पर जवान तैनात भी थे, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से पहले रोका जा सके और गुंडे बदमाशों की हर तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी मुख्तार और आफशा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जहां पर पहले उसके फ्लैट पर कब्जा किया गया था और उसके बाद उसके कई सारे बंगलों पर आपको बता दें बुलडोजर चलाया जा चुका है। दरअसल बाहुबली और उनके एक कुनबे के नाम पर काफी अवैध संपत्तियां पूर्वांचल सहित लखनऊ तक फैली हुई है। वहीं मुख्तार के करीबियों के पास भी काफी अवैध संपत्ति मौजूद थी। लेकिन आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कार्रवाई के दायरे में आए हैं और ऐसे में लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माना तो यह भी जा रहा है कि कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो सकती है और मुख्तार के गिरोह पर लगातार एक्शन लिया जा सकता है। जबकि लखनऊ में भी एक संपत्ति के लिए आजमगढ़ की पुलिस लगातार कार्रवाई की तैयारी में है, जिसमें बहुत जल्द उस कार्रवाई को भी अंजाम दे दिया जाएगा। तो देखा आपने एक एक करके किस तरह से मुख्तार के साम्राज्य की एक एक ईंट को योगी सरकार तोड़ रही है और उसके तमाम अपराधों की सजा उसे चुन चुन कर दे रही है। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।